आप इस थीम को भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसे आके आपको और एक थीम मिलेगी जो कि है कलरफुल कार्ड, स्विच करने पर स्विच हो जाएगी। अब आप देख का फिटिंग है, आप देख सकते हैं फ्रेम की क्वालिटी, थिकनेस वगैरह देख सकते हैं आप। ये ये है निशान माइक्रा जो कि है 2011 का मॉडल, जिसमें हम अपग्रेड करने वाले हैं स्टीरियो एंड्रॉइड का, जो कि रहेगा अपना बॉसमन की तरफ से। बॉसमन का TS7 स्टीरियो है जो कि आपने ये देख सकते हैं, ये इंपोर्टेड वाला फ्रेम है। यहाँ पर दिखाइए जो इंपोर्टेड वाला फ्रेम है, इसमें ये एंड्रॉइड लग के ये जो आप देख सकते हैं ये पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि कंपनी की तरफ से है और बहुत ही पुराना है, जिसको हम अपग्रेड करेंगे और बाद में आपको लुक दिखाएंगे कि इसका लुक कैसे आने वाला है। और ये बहुत ही OEM टाइप का फिटिंग है, आप देख सकते हैं फ्रेम की क्वालिटी, थिकनेस वगैरह देख सकते हैं आप। ये टोटली इम्पोर्टेड फ्रेम है जो कि बाहर से आता है और जिसके ऊपर हम इसके एंड्रॉयड को फिटिंग करने वाले हैं। तो ये पूरा निकाल जाएगा और उसके ऊपर ये फ्रेम आप देख सकते हैं इस तरह से इसका फिटिंग हो जाएगा। जब फिटिंग हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा इसका लुक आता है। तो आप देख सकते हैं ये जो फ्रेम है पहले वाला, इसका ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये निकल जाएगा, जिसमें से आप देख सके एयर वेंट है धोनी, वो निकलना पड़ेगा। और ये जो पार्किंग वाला बल्ब बटन है इसको भी निकलना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पीछे देख सकते हैं जो कपलर्स है इसको हमें निकालना होता है, इस तरह से ये कपलर्स निकल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो कपलर है जो फ्रेम के साथ मिले हुए हैं, तो जो कंपनी के आप देख सकते हैं, ये तो अपना ऊपर का जाएगा जो कि पार्किंग इंडिकेटर का है, ये देख सकते हैं आप। इसके साथ आपको खाली इसको मैच करना होता है, ये देख सकते हैं ये आराम से इसमें आ जाता है। ये तो कनेक्ट हो चुका है, तो ये देगा अपने स्टीरियो को पावर। उसके बाद जो अदर हमने निकाला था ये व्हाइट वाला, इसको व्हाइट वाले के साथ मैच कर दो, बहुत ही आसान है फिटिंग, ये लग गया। और अगर आप देखेंगे ये अपना स्टीरियो है जो कि बॉसमन की तरफ से, बॉसमन का यहाँ पर ब्रांडिंग भी आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं पीछे का, एक बार देख लीजिए, ये सारा ऐसा कनेक्शन है जो पावर कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 पिन का ये जो पिन है, इसको आपको पावर कनेक्शन के साथ अटैच करना है। और आप देख सकते हैं इस तरह से इसका वायरिंग टोटल हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर एक एंटेना केबल का है जो कि अपने FM के लिए होता है, इसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो आप जैसे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड अभी ओपन हो चुका है अपना, बॉसमन का ब्रांडिंग भी आया है, बॉसमन ऑडियो सिस्टम, तो बहुत ही प्रीमियम स्टीरियो है। एक बार लाइट में बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से लुक आ जाए। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टार्टअप होता है इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम इसे थोड़ा सा टाइम देते हैं तब तक ये बूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टार्टिंग हो रहा है, जो सारे एप्लीकेशन है इसमें लोड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका स्क्रीन आता है। तो अभी ये है, हम बाद में हटाएंगे इसको, तब तक मैं आपको इसमें से थोड़ा सा इंटरफेस का ओवरव्यू देता हूँ कि क्या क्या इस सिस्टम में अपने को मिलता है। आप देख सकते हैं ऊपर से खींचने पर आपको इस तरह से ब्राइटनेस एडजस्टमेंट की सेटिंग मिलती है, जो कि अपना ब्राइटनेस लो हो जाता है, ये वॉल्यूम का है, नीचे आप देखेंगे ये ब्राइटनेस है। तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा बहुत ही अच्छे से हो रही है। आप और भी देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर कागज़ लगा हुआ है, फिर भी इसका टच रिस्पॉन्स अब बहुत ही अच्छा है, एकदम मोटी फिल्म है, इसको निकलने के बाद और भी अच्छा हो जाएगा। अब देखेंगे अंदर तो आपको YouTube प्री इंस्टॉल मिलता है इसमें, वैसे ही Google Maps भी प्री इंस्टॉल मिलते हैं, इसको आपको कनेक्शन करना होता है। कार सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वाईफाई आ जाएगा, आपको डिवाइस का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा। और अगर आप अबाउट में देखेंगे, अबाउट में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन TS7 का यहाँ पर आपको टोटल दिखेगा। और आप देख सकते हैं 2GB इसका रैम है और 16GB इसका इंटरनल मेमोरी है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती जाएंगी। तो आगे आप देख सकते हैं ये जो अपना 4-पिन कनेक्टर होता है, ये नॉर्मली कनेक्टर आप देख सकते हैं, आप जो साइज का कनेक्टर होता है उसी के साथ आपको यहाँ कनेक्ट करना होता है, खाली आपको इसको प्रेस कर से फिटिंग करना होता है। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं जो जो कपलर आप लोग को मिलते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इसको प्रेस करके आपको फिक्स करना होता है आसानी से। ये देख सकते हैं ऑडियो का, ऑडियो वीडियो जो कैमरा के लिए होता है, ये भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरह से। और जो अपना ये देख सकते हैं ये है GPS, जिससे आपका गाड़ी का लोकेशन इस नेविगेशन के लिए पता चलता रहता है। और एक सिर्फ बचा ये है, आप देख सकते हैं इसमें 2 टाइप्स होते हैं,
एक अपने इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप जो डोंगल लगाते हैं इसके लिए होता है, और एक यूएसबी के लिए होता है। तो दोनों आप इसके साथ कनेक्ट करने कर सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही आसानी फिटिंग है। इसके बाद काम बचा वो होता है फ्रेम फिटिंग का। तो फ्रेम बहुत ही आसानी से फिट कर सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं पुराना वाला फ्रेम है, एंड्रॉयड वाला फ्रेम है। तो आपको खाली इसमें इसको रखना होता है, इस तरह से एकदम प्रॉपर फिटिंग आ जाएगा। आपको मैं सुबह दिखाऊंगा कि क्या इसका फिटिंग कैसा आएगा, क्योंकि अभी रात है, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं आ रहा होगा। फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि एकदम प्रॉपर साइज़ में रहता है एंड्रॉयड। और यहाँ से साइड से देख सकते हैं एकदम प्रॉपर फिटिंग आएगी। अगर आपकी फ्रेम इंपोर्टेड वाली रहेगी तो आपको फिटिंग में कोई इशू नहीं आएगा, एकदम प्रॉपर तरीके से ओईएम फिटमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रही है। तो खाली इस तरह से आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर 4 स्क्रू लगाने होते हैं, तो अपना काम हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रॉपर फिटिंग हो चुका है। जो एसी के वेंट थे आप देख सकते हैं पूरे फंक्शनल है दोनों के दोनों। उसी के साथ ये पार्किंग का बल्ब है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन है जो जिसके ऊपर पार्किंग के बल्ब होते हैं। आप देख सकते प्रॉपर वर्किंग है। और आगे आपको दिखाता हूँ मैं, जो ये एंड्रॉयड का स्क्रीन है आप देख सकते हैं प्रॉपर फिटिंग हो चुका है। और इसका फिल्मिंग अभी मैं निकाल रहा हूँ और देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से आप पूरा व्यू आ रहा होगा आपका। टोटल ये ब्लैक वाला पोर्शन है, इसके ऊपर अपना एंड्रॉयड है। और आप देख सकते हैं एकदम प्रीमियम लुक आ रहा है अभी गाड़ी का। पहले आपने लुक देखा था कैसा था, और अभी का लुक चेकआउट कर लो। तो अभी हम जैसे ही बटन दबाएंगे तो ये बूटअप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से टोटल इसका विंडो आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर थीम लगी हुई है, आप इस थीम को भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसे थीम में जाएंगे आप देख सकते हैं पब्लिक वर्जन है, इस तरह से ये थीम होती है। आप देखेंगे स्विच करने पर यह स्विच हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल इंटरफेस आएगा। आप अभी देख सकते हैं टोटल थीम चेंज हो चुकी है। जैसे ही आप बैक आएंगे तो यहाँ पर फिर से थीम में जाके आपको और एक थीम मिलेगी जो कि है कलरफुल कार्ड, स्विच करने पर स्विच हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इंटरफेस मिलता है, और आप देखेंगे इस तरह से आपको ये मेनू मिलता है। तो ओके, तो ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेविगेशन आपको मिलता है, जो कि गूगल की तरफ से आपको बहुत सारे ऑप्शन की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। ओके, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये क्लोज हो गया। अभी आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर, आप देखेंगे अपना हेडलाइट हेडलाइट बंद है आगे। इसको ऑन करने पर आप देख सकते हैं, मैं यही मॉडल यहाँ पर ऑन कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये लाइट मैं बंद कर देता हूँ। तो आप लाइट जैसे ही बंद करेंगे इसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, क्या ताकि ये दिन में बहुत अच्छी विजिबिलिटी दे आपको। और जैसे ही आप लाइट नॉर्मली ऑन करेंगे तो ये डिम हो जाएगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो गाड़ी का सिग्नल है उसके ऊपर आप देख सकते हैं लाइट ऑन ऑफ हो रही है, ताकि आपको पता चले कि ये लाइट ऑन है या ऑफ है। तो देख सकते हैं इस तरह से आप लाइट ऑन हुई दिख रही होगी आपकी। तो टोटली ये इंटरफेस है। मैं आपको इसके अबाउट में सेक्शन में दिखाऊं तो यहाँ पर इसका प्रोसेसर प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा TS7। और ये आप देख सकते हैं 16 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ आता है, और 2 GB रैम इसके साथ अवेलेबल है। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से टोटल इसका सिस्टम इंफॉर्मेशन है। सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब भी आपको प्री इंस्टॉल मिलता है। ये स्टीयरिंग व्हील के साथ भी माउंट हो जाता है आपको वीडियो। अभी आप देख सकते हैं इसका फोन लिंक का ऑप्शन है, जो कि अपने की जो मिररिंग का फंक्शन आता है ये भी इसको सपोर्ट करता है। सबसे एंड्रॉयड को अगर आपको ये देख सकते हैं टोटली जो आपका फोन का एक्सपीरियंस है, आप इसको कनेक्ट करके नेटफ्लिक्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फोन के जो में कंटेंट है इसको आप डायरेक्टली मिरर करके स्टीरियो पर देख सकते हैं। वेलकम बैक टू चैनल गाइज, टर्बो होप ऑटोमोटिव, आपका स्वागत है चैनल पर। आप देख सकते हैं आपके वीडियो में जो कि आवाज कम कर देता हूँ क्रूज में हम। तो ये नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी है वीडियो की, ये नॉर्मल है। फिर भी आप एक बार वीडियो का अंदाजा आ रहा होगा आपको कैसा इसका डिस्प्ले का क्वालिटी। अगर साइड से एक्सट्रीम एंगल से देखेंगे तभी भी आपको जो आईपीएस, एक बात मेरे को बताना था कि ये इसका जो डिस्प्ले है ये आईपीएस आता है। आईपीएस पैनल का एक अच्छा बेनिफिट होता है कि अगर आप इसको एक्सट्रीम एंगल साइड से भी अगर देखेंगे एकदम, तो भी कलर कोई भी वॉश आउट नहीं होगा। आप ये साइड से भी देखेंगे तो टोटल आपको हर जगह से एकदम अच्छा इसका व्यू आने वाला है। तो जो व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलर क्वालिटी कॉन्ट्रास्ट ये दिखा रहा है। और मैं आपको और एक वीडियो दिखा देता हूँ।
तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर जाना है और आपको बस ऐसे सब्सक्राइब करके छोड़ देना है और ये जो बेल वाला आइकन है इसको प्रेस करके ऑल में डाल देना है ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो डेमो वीडियो आपके लिए प्ले किया है, आपको इसमें थोड़ा सा अंदाजा आ रहा होगा कि कैसा इसका डिस्प्ले क्वालिटी है। एक्चुअली ये कैमरा थोड़ा सा आपको नॉइज दिखा रहा है इस फोटो में, आप देख सकते हैं पूरी अंधेरा है, रात का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा नॉइज कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, पर दिन में अगर आप क्वालिटी देखेंगे अभी भी आप देख सकते हैं एकदम बेस्ट क्लियरिटी और क्वालिटी आपको इसमें मिल रही है। कलर भी आप देख सकते हैं एकदम बेस्ट अभी इसमें दिख रहे हैं। तो दिन में आपको एक जरूर इसका एक मैं वीडियो भी इंस्टाग्राम पेज पे डालूंगा, तब तक आप इंस्टाग्राम पेज जाके टर्बो ऑटोमोटिव पेज को आप फॉलो कीजिए ताकि आपको नॉर्मली वीडियो देखने को मिले। तब तक मैं आपको इसके पीछे की डिटेल्स दिखा देता हूँ। ये जो बॉक्स है अब मैंने आपको दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये की फीचर्स है इसके पीछे, आप देख सकते हैं इसके मॉस्फेट एम्पलीफायर आता है जो कि 60 वाट के 4 मैक्स टू मैक्स अपने साउंड को सपोर्ट करता है और ये टोटल फॉर्मेट इसको सपोर्ट होते हैं। तो चलिए एक NCS का गाना बजाते हैं। तो बहुत ही अच्छा आवाज आ रहा है इसका, आप सुन सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, एक बार म्यूट कर देता हूं मैं इसको। तो जो क्वालिटी है साउंड की आप देख सकते हैं, कार के साथ लगे हुए साउंड है जो कि बहुत ही पहले से अच्छे क्वालिटी के थे और आपको मॉस्फेट का एम्पलीफायर मिलता है स्टीरियो में जो कि अपने साउंड जो है आपका एम्पलीफाई कर देता है जिससे आपको साउंड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलती है। तो जरूर सुनिए एक बार एक गाना, मैं आपको फिर से आवाज बढ़ा देता हूँ इसका। हेडफोन लगा के सुनिए ताकि आपको एक फील आ जाए कि कैसा ये गाना बजता है।